जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम प्रवीण पटवारी लाइव फ्रॉम एक्चुएटर्स कोलकाता एंड इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि आपको एक्चुरीज का जो कोर्स है वो आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। तो एक्चुरीज का जो कोर्स है इंडिया में देर आर टू मोस्ट रिकग्नाइज बॉडीज, एक है आपका यूके वन और एक है आपका इंडियन वन, जैसा कि आपने हल्का फुल्का सुन रखा होगा। ओके, नाउ व्हाट इज द यूके बॉडी नेम। यूके वाले बॉडी का नाम है IFOA, इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुरीज यूके, एंड एक है आपका IAI विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया। ओके, मैंने बहुत सारे बेसिस दे रखे हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने दे रखे हैं कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर रहेगा, व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिफरेंस, कि IFOA एंड IAI में क्या डिफरेंस है। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, IFOA एंड IAI का जो मटीरियल है दैट इज एग्जैक्टली द सेम, पूरा इंस्टीट्यूट का जो मटीरियल है दैट इज एग्जैक्टली द सेम, सो देर इज नो डिफरेंस इन द कंटेंट। सो वेयर डज द डिफरेंस लाई, लेट्स सी। सबसे पहला बात, IFOA जो है दैट इज इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुरीज यूके, उसका मैं एंट्रेंस का बात करूंगा। सो IFOA का अपना कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है। IFOA का जो इंस्टीट्यूट है वो ये बोलता है कि या तो आप CM1 विच इज एक्चुअल मैथमेटिक्स, या फिर आप CS1 विच इज एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है वो आप एज अ नॉन मेंबर अपियर करो, एंड अगर आप वो क्लियर कर लेते हो देन यू आर एलिजिबल टू टेक द मेंबरशिप। ओके, तो IFOA का अपना कोई मतलब एंट्रेंस टेस्ट अलग से नहीं है, जैसे इंडियन बॉडी का अपना एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट उन्होंने बना रखा है जिसका नाम है एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच इज ACET। ओके, सो एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आप क्या क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो मैथ्स, स्टैट्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो अगर आपको IAI का मेंबरशिप चाहिए देन आपको ACET क्लियर करना मस्ट है। बट अभी रिसेंट में IAI का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें IAI टॉक्स अबाउट द अदर रूट्स ऑफ टेकिंग डायरेक्ट मेंबरशिप फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट। लाइक पहले उनका खाली एक ही विंडो होता था कि अगर आपने ACET क्लियर नहीं किया है ना तो हम लोग आपको आपका मेंबरशिप नहीं देंगे। बट अभी उन्होंने कुछ रूट्स खोल दिए कि अगर आपका 2-3 पेपर क्लियर है, या फिर आपका कुछ कुछ अलग अलग उन्होंने क्राइटेरियाज मेंशन किए हैं कि अगर आप वो सब क्राइटेरियाज फुलफिल करते हो तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट का डायरेक्ट मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ टेकिंग द मेंबरशिप फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट इज क्लियरिंग द ACET एग्जामिनेशन। इफ यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट, इफ यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, देन आई थिंक सो कि आप वो क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाओगे। तो अगर आप या तो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या फिर आपने जस्ट अभी अपना क्लास 12 का बोर्ड दिया है और आपको ये कोर्स को इंडियन इंस्टीट्यूट से परस्यू करना है तो आपको ACET देना मैंडेटरी है। एंड ACET का कंटेंट मैंने आपको बता दिया है विच इज मैथ, स्टैट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। ओके, मैंने आपको IFOA के बारे में बताया। लाइक IFOA का जो एग्जाम होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं IFOA का जो एग्जाम होता है वो होता है आपका अप्रैल और सितंबर में। अगर आपने जस्ट अभी क्लास 12 पास किया है तो IFOA का नेक्स्ट एग्जाम होगा आपका सितंबर वाले महीने में। तो उसमें आपको इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि आपको कोई मेंबरशिप लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको मेंबरशिप लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप या तो CM1 दे दो एज अ नॉन मेंबर। सर व्हाट डू यू मीन बाई नॉन मेंबर? नॉन मेंबर में बेटा आपको मेंबरशिप लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खाली एग्जामिनेशन फीस पे करोगे विच इज रफली अराउंड £200, दैट कम्स टू अराउंड 19,000 और 20,000 के आसपास का। तो अगर आप बिना मेंबरशिप लिए पेपर देना चाहते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेंबर। बट इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि नॉन मेंबर की तरह आप या तो CM1 दे सकते हो या फिर आप CS1 दे सकते हो, आप और कोई पेपर एज अ नॉन मेंबर नहीं दे सकते हो। जैसे ही आपका CM1 या फिर CS1 क्लियर हो जाएगा देन यू आर एलिजिबल टू टेक द मेंबरशिप। एंड IFOA हैज अ डायरेक्ट मेंबरशिप रूट कि अगर आपका क्लास 12 में मैथ्स में 85 प्लस है तो आप IFOA का डायरेक्ट मेंबरशिप ले सकते हैं। तो IFOA का अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो देर आर टू मोस्ट कॉमन रूट्स कि या तो आपका क्लास 12 में 85 प्लस हो और आप चाहते हो कि आप अपना फर्स्ट पेपर मेंबर बन के दो। तो आपका अगर मान लो क्लास 12 में 85 प्लस है देन यू कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप, आपका मेंबरशिप रफली 1 मंथ में कंफर्म हो जाएगा एंड देन यू कैन गिव एनी पेपर आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर। बट अगर आप ये चाहते हो कि आप पहले देखो, कोर्स को जानो, समझो एंड आप पहला पेपर जस्ट एज अ नॉन मेंबर देना चाहते हो तो आपको मेंबरशिप लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन आइदर अपीयर फॉर CM1 विच इज एक्चुअल मैथमेटिक्स और यू कैन अपीयर फॉर CS1 विच इज एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है मेंबरशिप, क्लियर द फर्स्ट पेपर विच इज आइदर CM1 और CS1 और गेट 85 प्लस मार्क्स इन मैथ्स इन क्लास 12।
बट इंडिया में आपको एसेट क्लियर करना मैंडेटरी है, बट देर आर सम अदर रूट्स एज वेल जो कि आई डोंट थिंक सो कि कोई एक क्लास 12 पास स्टूडेंट या फिर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जनरली मैच कर पाएगा. सो द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टेकिंग द मेंबरशिप दैट पीपल जनरली फॉलो आफ्टर द क्लास 12 बोर्ड्स इज दे गिव एज अ नॉन मेंबर द फर्स्ट पेपर एंड दे अपीयर फॉर आइदर CM1 और CS1 डिपेंडिंग उनके पास कितना टाइम है एंड उनको किस एरिया में ज्यादा इंटरेस्ट है. लोग जनरली आधे लोग CM1 भी देते हैं, आधे लोग CS1 भी देते हैं. सो यू हैव अ मिक्स. ओके, सो ये मैंने बात किया एंट्रेंस का और मैंने बात किया मेंबरशिप का. नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द मेंबरशिप कॉस्ट. इंडिया वाला जो है आप एसेट क्लियर करते हो तो एसेट क्लियर करने के बाद में आपका जो मेंबरशिप कॉस्ट लगता है दैट इज 4,000 रुपीज. बट UK1 इज अ बिट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप. जैसे मैंने यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन दिखाया है, इट इज 135 + 73. वट इज दिस 73 एंड वॉट इज दिस 135? एक वन टाइम मेंबरशिप कॉस्ट है. वन टाइम मेंबरशिप कॉस्ट आपका एक ही बार लगता है एंड ये जो 73 है ये आपका एनुअल मेंबरशिप फीस है. ये आप हर साल पे करते हो. IFOA का जो साइकिल है वो एवरी अक्टूबर को रिन्यू होता है. तो IFOA आपसे एडवांस में पहला साल का सब्सक्रिप्शन ले लेता है. अब जब आपका एक साल खत्म हो जाएगा तब आपसे फिर से £73 लिया जाएगा. तो इंडिया में इट इज रफली अराउंड 2000, आई गेस नाउ इट्स 2500. इट इज इन द रेंज ऑफ 2000 to 2500 इंडियन इंस्टीट्यूट का जो मेंबरशिप कॉस्ट है. तो अभी तक हमने ये सीखा कि मेंबरशिप वाइज एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन वाइज IAI इज अ बिट चीपर एंड IFOA इज अ बिट एक्सपेंसिव. तो IAI का कुछ मेरिट्स है कि वो हल्का चीप है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेपर कॉस्ट. तो जो पेपर कॉस्ट है दैट इज एग्जामिनेशन कॉस्ट. मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं खोज रहा था एग्जामिनेशन कॉस्ट. तो IFOA से रफली एवरी पेपर का जो कॉस्ट है दैट इज अराउंड £180 एंड इट डिपेंड्स द रेट, इट फ्लक्चुएट्स. अगर आप फॉर एग्जाम्पल CB1 CB2 जो कि मैंने आपको बताया था हल्का ईजी में आता है, अगर आप CB1 CB2 देते हो तो वो आपका £130 - £135 के आसपास है. अगर आप मान लो हायर स्टेज का पेपर देते हो तो वो आपका 180 भी है, कोई कोई £300 का भी है. बट जनरल अगर आप फर्स्ट स्टेज का बात करोगे विच इज द कोर प्रिंसिपल स्टेज, तो उसमें रफली आपका एवरी पेपर में 18,000-19,000 के आसपास का आपका एक्सपेंस आता है एवरी पेपर. और अगर आप नॉन मेंबर की तरह देते हो तो मैंने यहां पर 180 लिखा है, बट अगर आप नॉन मेंबर की तरह देते हो तो इट इज £200. मैं आपको एकदम रीसेंट का बता रहा हूं. तो £200 अज्यूमिंग की पाउंड रेट आपका 100 है तो वही आपका 20,000 के आसपास आएगा. तो नॉन मेंबर बन के अगर आप कोई पेपर देते हो, वो तो पहला ही पेपर दे सकते हो, तो उसमें हल्का कॉस्ट ज्यादा है. बट अगर आप मेंबर बन के देते हो तो आपका वो कॉस्ट 1500-2000 से कम हो जाता है डिपेंडिंग ऑन पाउंड रेट. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द पास रेट. नाउ लेट मी टेल यू मिक्स कि कितने लोग इंडियन बॉडी से करते हैं, कितने लोग यूके बॉडी से करते हैं. लाइक पहले क्या होता था, लाइक आई एम अ ओल्ड मेंबर, मेरे को मेंबरशिप लिए अप्रॉक्सीमेटली 4.5-5 years हो गया है. सो मेरा दोनों जगह से मेंबरशिप है, आई एम अ मेंबर ऑफ IFOA एज वेल एज IAI. तो पहले क्या होता था ना, दोनों इंस्टीट्यूट एक दूसरे को एग्जेम्पशन देते थे. जैसे मैंने यहाँ पर एग्जेम्पशन पॉलिसी जो लिखा है एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा. सो पहले क्या होता था ना, दोनों इंस्टीट्यूट एक दूसरे को एग्जेम्पशन देते थे. लाइक अगर आपको कोई पेपर इंडियन इंस्टीट्यूट से क्लियर है तो यूके बोर्ड उसको एग्जेम्प्ट मानता था और वाइस वर्सा. बट अभी एग्जेम्पशन पॉलिसी कंप्लीटली हटा दिया गया है. लाइक आपके लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आप ये कोर्स अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए तो ये एग्जेम्पशन पॉलिसी है ही नहीं. लेट मी नॉट गो इनटू दैट डिफिकल्टीज कि आपने 31 जुलाई के पहले किया तो आपको कुछ कुछ में एग्जेम्पशन मिलेगा, बट आपके लिए वीडियो है ही नहीं. बिकॉज आई होप सो कि आप मेंबरशिप 2020 में लोगे तो यू कैन आइदर गिव इट फ्रॉम द यूके बोर्ड और यू कैन अपीयर इट फ्रॉम द इंडियन बोर्ड. आपके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है. तो आई विल सजेस्ट कि आप कोई एक बॉडी के मेंबर बनो, या तो IAI को आप चूज करो या फिर आप IFOA को चूज करो. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पास रेट, द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. लाइक मेरे यहाँ पे फिगर्स लिखा है, IAI पे मैंने लिखा है नो कमेंट्स. फर्स्ट मैं IAI पे आता हूँ. तो IAI में मैंने नो कमेंट्स इसलिए नहीं लिखा कि बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है. लाइक मैंने बहुत ही लो पासिंग रेट में एग्जाम्स क्लियर किए. लाइक आई हैव क्लियर CT8 जिसमें पासिंग रेट बहुत कम था. IAI का जो पासिंग रेट है वो फ्लक्चुएट करता है. तो फ्लक्चुएट कैसे करता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल IAI में अब की बार अगर मैं बात करूं तो CM1 का जो पास रेट था दैट वॉज बिलो बाद में
दैट वॉज आई आई का जो पास रेट था दैट वॉज बिलो 4% इन सी एम वन. बट अगर मैं यूके का बात करूँ तो यूके हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट. यूके इंस्टीट्यूट हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट इन इट्स पास रेट्स. लाइक यूके इंस्टीट्यूट का जो पास रेट है वो आपका 40-50% के बीच में जनरली रहता है. सर क्या ये 50% से बढ़ता है? नो, कभी देखा नहीं गया कि 50% ज़्यादा हो रहा है पास रेट. बट हाँ कम ज़रूर होता है. मैंने 40 लिखा है यहाँ पर, बट ये कम ज़रूर होता है. ये आपका मान के चलिए कभी कभी देखा गया है कि 30% भी जाता है, 35% भी रहता है, 40 तो रहता ही है बहुत सारे पेपर्स में. बट यहाँ पर मेरी गलती है, 40 नहीं लिखना चाहिए था, इट शुड हैव बीन 30-50. आप मान के चलो, आप लोअर साइड ही मान के चलो, प्रूडेंट एस्टिमेट बोलते हैं इसको हम लोग. आप 30% मान के चलो कि 30-50 के बीच में रहेगा. बट आई में मैंने नो कमेंट्स क्यों लिखा है, आई विल गिव यू वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल. आई आई इज लाइक अ क्रैकर. लाइक रिजल्ट क्या होगा नो वन नोस. लाइक जो मैंने आपको पुराने वीडियो में बोला था कि CP1 बहुत डिफिकल्ट है, बट आई हैव जस्ट मेड एन एनालिसिस कि CP1 का पास रेट फ्रॉम आई आई हैज बीन वेरी गुड फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स. इट्स रफली यू कैन अज्यूम 20-25% के आसपास है. तो आई आई में नो कमेंट्स मेरे को लिखना ही पड़ेगा बिकॉज उसका रेंज बहुत हाई है. इट रेंजेस फ्रॉम यू कैन से 5% to 50% डिपेंडिंग ऑन टर्म बाई टर्म. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई आई बहुत डिफिकल्ट है, मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर बहुत लोग सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ते हैं और उनका क्लियर होता है. यू नीड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, आपको आई आई का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, आपका क्लियर होगा. बट जनरली इट इज सीन कि लोग IFOA बॉडी से करते हैं. इट इज अ बिट ईजियर टू क्रैक, द पासिंग रेट्स आर गुड, बट द डिफेक्ट इज IFOA इज अ बिट एक्सपेंसिव. लाइक अगर आप IAI का हर पेपर का कॉस्ट देखेंगे तो IAI का हर पेपर का कॉस्ट इज रफली 14,500-14,000 के आसपास. अगेन ये भी आपका फ्लक्चुएट करता है थोड़ा बहुत. सो IAI का एग्जाम कब होता है? जून या फिर नवंबर में होता है IAI का एग्जाम. जून या फिर नवंबर में IAI का एग्जाम होता है एंड अप्रैल या फिर सितंबर में होता है IFOA का एग्जाम. इट इज जनरली सीन कि पीपल प्रेफर IFOA और IAI बिकॉज IFOA हल्का इजी माना जाता है क्लियर करने के लिए. लाइक आपने अगर ढंग से सारे क्लासेस किए हैं, आप सारे क्लास में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका ये श्योरिटी है कि आपका IFOA से क्लियर हो गई होगा. नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर मार्क्स कि आपको मार्क्स कितना अच्छा आ सकता है. बट IAI में आपको आपने क्लासेस भी ले लिया मान लो तो भी कोई श्योरिटी नहीं आपका क्लियर हो गई होगा. आपको सारा क्लास में आना है, आपको सब कुछ करना है, अगर आप सेल्फ में कर आपको सब कुछ पढ़ना है. एंड IAI से अगर कोई वीडियो देख रहा है और उसको नहीं है कि उसको इंडियन इंस्टीट्यूट से ही करना है, तो IAI का पेपर सॉल्व करना इज वेरी मस्ट. लाइक आपको इंडियन इंस्टीट्यूट का लास्ट 10 टर्म्स का पेपर सॉल्व करना इज मैंडेटरी टू क्लियर एनी पेपर फ्रॉम IAI. सो IAI का जो ट्रिक है, अगर आपको IAI का पेपर क्लियर करना ही है वन गो में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप IAI का पेपर सॉल्व करो. यहीं पर लोग थोड़ा हल्का चूक जाते हैं कि वो लोग पेपर्स IAI का नहीं देखते. तो IAI से अगर वो क्लियर करना है कोई भी एग्जाम, तो आपको IAI का पेपर सॉल्व करना इज मैंडेटरी. सो कोर्स स्ट्रक्चर का अगर मैं बात करूं तो कोर्स स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली द सेम. लाइक आप ऐसा समझो, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. IFOA में आपको जितना भी पढ़ना है सब कुछ एकदम बढ़िया से क्लियर करने के लिए, IAI में इट इज प्लस 25% एफर्ट. लाइक अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो IAI इज इक्वल टू IFOA प्लस 25%. फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो, अगर आपको IFOA में 400 घंटा पढ़ना पड़ता है तो आपको IAI में 500 घंटा पढ़ना पड़ेगा. यही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है. एंड जो पासिंग रेट होगा ये इसके पीछे ना मेरा हाथ है ना आपका हाथ है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है. लाइक CM1 में अगर आप पुराने टर्म में देखोगे, लाइक नवंबर का अगर मैं बात करूं तो नवंबर में पूरे इंडिया से अप्रॉक्सीमेटली 9 लोग क्लियर किए थे एंड द पासिंग रेट वॉज अराउंड 4%. बट उसके पुराने टर्म में पासिंग रेट अच्छा था, खराब था बट फिर भी अच्छा था. तो इट एक्सप्लोड समटाइम्स कि यार 4% भी हो रहा है, तो मतलब वो लोग के ऊपर में कि वो लोग कैसा सेट करते हैं. बट IFOA हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट कि लाइक द पासिंग रेट्स आर बिटवीन 40-50, बट समटाइम्स इट फॉल्स टू 30 ऑल्सो. इट हैज बीन सीन कि 30 भी जाता है. एंड द एग्जम्पशन पॉलिसी, आई एम बीइंग वेरी क्लियर कि आपके लिए कोई एग्जम्पशन पॉलिसी नहीं है. सो आइदर यू बी स्ट्रिक्ट विद IFOA और यू बी स्ट्रिक्ट विद IAI, आप दोनों इंस्टीट्यूट मिक्स एंड मैच करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है. ओके, वन मोर थिंग. जैसे सर अगर मैंने जस्ट अभी क्लास 12 पास किया तो मैं कैसे एक्चुअरीज को परस्यू कर सकता हूँ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि
आप या तो CM1 अपियर करो एज अ नॉन मेंबर या फिर आप CS1 अपियर करो एज अ नॉन मेंबर. दैट इज अ थिंग दैट मोस्ट स्टूडेंट्स डू. वो लोग ऐसा फर्स्ट पेपर देख के देखते कि उनको कैसा समझ में आ रहा है ना. अभी आप मेंबरशिप मत लो, आप फर्स्ट पेपर या तो CM1 या फिर CS1 दो एंड आप सेप्टेंबर में एग्जाम देके क्लियर करो. दो आपका मैथ्स में 100 भी आए, मैं आपको बता रहा हूँ जनरल लोग क्या करते हैं, आपका मैथ्स में 100 भी आए, आप मेंबरशिप अभी लोगे बाद में लोगे इट्स एग्जैक्टली द सेम. मेंबरशिप का जो कॉस्ट है उसको आप हटा नहीं सकते, वो आपको देना ही है. तो अभी आप एज अ नॉन मेंबर अपना फर्स्ट पेपर अपियर करो, आप कोर्स को देखो, जानो समझो कि कोर्स कैसा है, आपको अच्छा लग रहा है ना. उसके बाद CM1 जब आपने दे दिया या फिर CS1 जब आपने दे दिया, आपको कोर्स अच्छा लग रहा है, देन दैट इज द टाइम यू अप्लाई फॉर मेंबरशिप. दैट इज द टाइम यू अप्लाई फॉर मेंबरशिप एंड योर मेंबरशिप जनरली इट्स कन्फर्म्ड इन 1 month, लाइक 1 महीने में आपका मेंबरशिप कन्फर्म हो जाता है. देन यू गिव द फर्दर पेपर्स. सर क्या CM1 एंड CS1 दोनों दे सकते हैं एज अ नॉन मेंबर? नहीं, कोई भी एक आप दे सकते हो. इट इज और नॉट एंड. लाइक बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इस एक टर्म में CM1 देके देख लिया एज अ नॉन मेंबर, तो नेक्स्ट टर्म में दे ट्राई टू अपेयर फॉर CS1 एज अ नॉन मेंबर, बट इट्स नॉट पॉसिबल. या तो CM1 या फिर CS1 आप एज अ नॉन मेंबर दे सकते हो. सो दिस इज इट कि आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट से करना चाहिए कोर्स. सो अगर आप लोग मेरा मानेंगे तो ऐसा कोई भी नहीं है. जैसे एक नोशन बना दिया गया कि IAI बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है. आई एम अपियरिंग स्टिल फॉर द पेपर्स ऑफ IAI एंड लाइक ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क कि आप कितना मेहनत करते हो एंड इट्स ऑल अबाउट योर स्मार्ट स्टडी कि कितने अच्छे से लाइक ऐप चीज़ पढ़ते हो. सो इट्स ऑल ऑन यू. थैंक यू.